नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का ही रूप माना गया है, ऐसे में इनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। काल भैरव को तंत्र के देवता के रूप में प्रमुख तौर से पहचाना जाता है। काल भैरव की आराधना के बिना कोई भी तंत्र साधना अधूरी है। काल भैरव जयंती पर भगवान का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान भैरव के 8 रूपों का पूजन करने की परंपरा कायम है। 8 रूपों में विद्यमान भगवान भैरव अपनी पूजा करने पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काल भैरव अष्टमी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी पर्व के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, इसीलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। भगवान काल भैरव के कौन कौन से 8 रूप? कपाल भैरव, क्रोध भैरव, अस्तांग भैरव, चंद भैरव, गुरु भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव। अटके हुए कार्य पूर्ण करते हैं कपाल भैरव। कानूनी कार्यवाही, अटके हुए कार्य का समाधान करने में कपाल भैरव पूजन का विशेष महत्व है। कपाल भैरव के रूप में चमकीले शरीर वाले भगवान हाथी पर सवार होकर एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार और तीसरे में शस्त्र व चौथे में पात्र धारण किए रहते हैं। इस रूप में पूजन करने से उक्त समस्याएं हल हो जाती हैं। खराब समय में लड़ने की क्षमता देते हैं क्रोध भैरव। जीवन में आने वाली परेशानियां, खराब वक्त में लड़ने की क्षमता हासिल करने के लिए क्रोध भैरव का पूजन किया जाता है। गहरे नीले रंग के शरीर वाले, 3 आंखों वाले क्रोध भैरव गरुड़ पर सवार होते हैं। कलात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं अस्तांग भैरव। इंसान ने यदि कलात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है तो उन्हें काल भैरव के अस्तांग रूप का पूजन करना चाहिए। इस रूप में वह हंस पर सवार होकर गले में सफ़ेद कपालों की माला पहनते हैं और हाथ में एक कपाल धारण किए रहते हैं। शत्रुओं पर विजय हासिल करने और हर बुरी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता के लिए चंद भैरव की पूजा की जाती है। मोर पर सवार 3 आंखों वाले चंद भैरव इस रूप में एक हाथ में तलवार, दूसरे में पात्र, तीसरे हाथ में तीर और चौथे हाथ में धनुष धारण किए रहते हैं। विद्या व ज्ञान प्रदान करते हैं गुरु भैरव। गुरु भैरव की पूजा करने से अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस रूप में गुरु भैरव बैल पर सवार होकर नगन रूप में विराजमान है। शरीर पर सांप लिपटाए गुरु भैरव के एक हाथ में कपाल व दूसरे में कुल्हाड़ी व तीसरे हाथ में तलवार धारण किए होते हैं। मनुष्य के सभी पापों को समाप्त करते हैं संहार भैरव। इंसान अपने सभी पापों को यदि समाप्त करना चाहता है तो उसे नगन रूप वाले संहार भैरव का पूजन करना चाहिए। 3 आंखों वाले कुत्ते पर सवार होकर सिर पर कपाल धारण करते हैं। इस रूप में संहार भैरव की 8 भुजाएं होती हैं और शरीर पर सांप लिपटा होता है। नकारात्मक बुराइयों को समाप्त करते हैं उन्मत्त भैरव। शांत स्वभाव वाले उन्मत्त भैरव इस रूप में मनुष्य की सभी नकारात्मकता और बुराइयों को समाप्त करते हैं। घोड़े पर सवार उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग हल्का पीला होता है। भीषण भैरव दिलाते हैं बुरी आत्मा व भूतों से मुक्ति। भीषण भैरव की पूजा अर्चना करने से बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है। इस रूप में शेर पर सवार भीषण भैरव अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे में एक पात्र पकड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी तंत्र के देवता काल भैरव से जुड़ी जानकारी कि किस प्रकार 8 रूपों में विद्यमान काल भैरव अपनी पूजा करने पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही नए विषय से जुड़ी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।